अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। एंड आल्सो द रीज़न आई वाज नॉट अपलोडिंग वीडियोस फ्रॉम सो मेनी डेज वाज बिकॉज आई वाज हैविंग सम प्रॉब्लम विथ माय यूट्यूब थिंग। सो अभी तक इशू पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, बट स्टिल आई एम ऑन इट। एंड आज की वीडियो की शुरुआत करूँगी मैं फ्रॉम फ्राइडे आफ्टरनून। सो यहाँ पर सबसे पहला काम जो मैं कर रही हूँ वो है अपनी बेडशीट्स को चेंज करना। एंड ऑल्सो मैं अपने कर्टन्स को निकाल के दूसरे कर्टन्स लगाने वाली हूँ। और हम ये पिछले 3-4 दिनों से काम कर रहे हैं बिकॉज़ व्हाट वी डू इज़ कि रोज़ एक बेडरूम का कर्टन मैं रिमूव करती हूँ, फिर मम्मा उसको वॉश करते हैं एंड देन नेक्स्ट डे वी रिमूव द कर्टन्स ऑफ द नेक्स्ट बेडरूम। क्योंकि हमारे जो कर्टन्स हैं उसके साइज़ काफ़ी बड़े हैं, सो वो सारे कर्टन जो है वो एक साथ वॉशिंग मशीन में नहीं आ सकते, इस वजह से हम एक टाइम पर एक ही कर्टन्स को जो है वो वॉश करते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये जो कुछ ब्रेसलेट्स हैं मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, सो ये बस अब मैं इनको ठिकाने पर लगा रही हूँ। मैंने अभी तक इनको जगह पर रखा नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू बाय अ ज्वेलरी बॉक्स बिकॉज पहले मैंने नहीं लिया था बिकॉज आई डेंट हैव इनाफ ज्वेलरी टू कीप इट टू यूज़ द ज्वेलरी बॉक्स, बट नाउ आई थिंक आई कैन बाय वन। जी, सो और थोड़े छोटे बड़े काम जो है वो ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है कि मैं शार ले लूँ। सो यहाँ पर मैं अपने लिए कपड़े निकाल रही हूँ, तो बस अब उसके बाद जाएंगे शार लेंगे, फिर उसके बाद कुरान पढ़ना है। एंड क्योंकि जुम्मा है सो सूरह कहफ इज़ मस्ट, एंड आई डू रिसाइट सूरह जुम्मा समटाइम्स, कभी कभी बट नॉट ऑलवेज। तो बस उसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे हम। अच्छा, सो नमाज के बाद फिर हमने लंच किया, और उसके बाद क्योंकि मेरे बेडरूम में काफ़ी ज़्यादा उजाला आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही थी क्योंकि कर्टन्स नहीं लगे हुए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले काम जो मैं खाना खाने के बाद करूँगी वो कर्टन्स लगाना, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आई लाइक डार्क इन माई रूम। तो बस यहाँ पर जो ज़रूरी था इस वजह से मैंने दूसरे जो नए कर्टन्स निकाल के वो लगा दिए हैं, एंड बेड शीट्स मैंने नहीं लगाए हैं, वो मैं दूसरे दिन लगाऊँगी। अच्छा, तो अब डायरेक्टली आप लोगों को शाम का क्लिप दिखाऊँगे। डिनर का टाइम हो रहा है तो हम आए हैं किचन में डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मम्मी बनाएंगे सूखा चिकन। सो उसके लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, उसके अंदर डाला है 2 मीडियम साइज़ के अनियन एंड 2 से 3 ग्रीन चिलीज डाला है स्प्लिट करके। अनियन जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा उसमें चिकन को अच्छे से वॉश करके डाल दिया मम्मा ने। 1 kg के करीब चिकन होगा। चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स, और उसके बाद ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। उसके बाद जाएगा सॉल्ट है एंड 1 teaspoon है रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 teaspoon हल्दी था, 1 tablespoon भर के गरम मसाला पाउडर और 1 tablespoon भर के धनिया पाउडर। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है, चिकन और जो मसाला उनको भुनने देना अच्छे से। और इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि सूखा चिकन है, जब तक चिकन टेंडराइज ना हो जाए बस तब तक हमने कुक कर लेना है। एंड दैट्स इट, हमारा चिकन रेडी है और यहाँ पर मैं डिनर करने भी बैठ गई हूं। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल पोर्शन ऑफ माई फूड या मील जो भी मैं खा रही हूँ, इस वजह से मैंने 1 रोटी ली हुई थी विद 2 पीसेज ऑफ चिकन। अच्छा, तो यह है नेक्स्ट डे का वीडियो। और यहाँ पर मेरे कपड़े जो है वो वॉश हो चुके थे, तो बस उनको फोल्ड करके मैं तमीज़ से उनको अपने वार्डरोब में रख रही हूँ, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले ही सारे पूरा मैंने वार्डरोब जो है वो अच्छे से सेट किया हुआ था। तो आई थिंक ये 1 महीने तक अब काफ़ी अच्छे हुलिये में रहेगा मेरा वार्डरोब। तो और उसके अलावा यहाँ पर मैंने बेडशीट भी डाल दी है जल्दी से, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा मैं नहीं रख सकती क्योंकि उसके बाद अम्मा की डांट पड़ेगी मुझे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से बेडशीट्स डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पर हो रहा था शाम का वक्त, और मम्मा ने बाज़ार से मम्मा लेकर आए थे कुछ फ्रूट्स, तो बस उनको थोड़े तमीज़ से सजा कर मैंने सोचा कि डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। तो यहाँ पर एप्पल्स थे, मैंगोज, एंड उसके अलावा माय फेवरेट थिंग इज़ लीची, मैंगोज, लीची, स्ट्रॉबेरीज, आई लव देम, आई कैन ईट देम। अच्छा, तो मम्मा तो लेकर आए थे मैंगो, उसके अलावा मेरा भाई जो है वो भी लेकर आ गया था, और वो सिर्फ अल्फोंजो ही लाता है। आई थिंक अल्फोंजो जो है या हापुस आम जिसे कहते हैं वेरी फेमस पर्टिकुलरली इन इंडिया, और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है, बहुत स्वीट भी होते हैं ये। तो 2 बॉक्सेस इस तरीके से लेकर आ गया था। एंड उसके बाद अम्मी जो है वो मेरे क्या करेंगे कि इनको ना अलग अलग सेक्शंस बना के उनको फ्रिज में स्टोर कर देंगे ताकि इसकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों तक बढ़ जाए एंड वी कैन इन्जॉय देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
अच्छा सो ये है उसके भी नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप। और यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है, मैंने सुबह उठकर नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, एंड उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए बुक रीड करनी थी। पहले मैं बेड पर ही रीड कर रही थी, बट देन आई डिसाइडेड कि बेड पर जब बुक रीड करो ना तो फिर ज़्यादा मन नहीं करता है, इतने इफेक्टिवली या प्रोडक्टिवली मैं बुक रीड नहीं कर पाती हूँ। बट स्टडी टेबल पे कोई भी काम है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली होता है। सो यहाँ पर मैं बुक रीड करूँगी, एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने ना हदीस लर्निंग कुछ देर के लिए की थी, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 हदीस लर्निंग आई डू अगर मैं कर रही हूँ। उसमें भी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, रेगुलरली नहीं करती हूँ, बट वेन आई लर्न अराउंड 2 to 3 हदीस पर डे। सो या अच्छा सो यहाँ पर मैंने ना ज़ीरा जो है वो वाटर के अंदर सो करके रखा हुआ था रात में। माय फ्रेंड सजेस्टेड मी कि अगर वेट लॉस करना है सो डू ट्राई आउट दिस ज़ीरा वाटर इन द मॉर्निंग। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से बॉईल कर लूँगी, एंड देन आई एम गोना स्ट्रेन इट आउट और उसको थोड़ा सा ठंडा करके पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम बॉइलिंग वाटर था नहीं ये। तो बस इसको मैं अभी पीऊँगी थोड़ा सा ठंडा करके, एंड इसको मैं रोज़ नहीं पी रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ सुबह गर्म पानी पीती हूँ, बट समटाइम्स आई स्क्वीज लेमन इनटू इट या फिर ऐसे ही पी लेती हूँ, या फिर अब मैं ज़ीरा वाटर भी करने वाली भी अच्छा था तो मतलब मैं इसे रोज कंज्यूम कर सकती हूँ। अच्छा तो लर्निंग वगैरह करने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मुझे और कुछ काम था नहीं और काफ़ी ज़्यादा सुबह का ही वक्त था, तो इस वजह से मैं सो गई थी। और सोकर उठी हूँ मैं सुबह के 10 बजे, और उसके बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो है अपना बेडशीट सही करना। अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखा मैंने, उसके बाद किचन में जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सो ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपली एक एग बनाया था, एंड उसके साथ लिया था मैंने एक ब्रेड स्लाइस क्योंकि मेरे पास ब्राउन ब्रेड जो ख़त्म हो चुका था तो मैंने वाइट ब्रेड ही ले लिया था, और कुछ मेरा बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ऑल्सो आई डोंट लाइक टू ईट एग, लेकिन फिर भी खाना पड़ता है, थोड़ा सा तो प्रोटीन इंटेक होना ही चाहिए। और उसके साथ मैंने चाय ले ली थी बिना शुगर के। तो बस अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद थोड़े बहुत काम ख़त्म करने थे, किचन का तो काम होता ही है, उसके अलावा थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी थी, तो अब मैं वो जल्दी जल्दी से ख़त्म करती हूं। उसके बाद मुझे ना काम से जाना था बाहर, काम से एज इन बैंक जाना था, और बैंक के मैं 2 दिन से चक्कर लगा रही हूँ क्योंकि हमारा काम हो ही नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं जल्दी से काम ख़त्म करके शार लेके सीधा जाऊँगी बैंक।
अच्छा, सो बैंक से आने के बाद मैंने लंच किया था, और पीछे क्लिप में आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी सुंदर बारिश हो रही थी। आई लव लव टू वॉच रेन, उनकी आवाज़ सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, आई गेस हम सबको लगता है राइट। तो अब यहाँ पर हो चुका है रात का वक्त, और यहाँ पर मैं तो सबसे पहले अपना आउटफिट चेंज करूँगी, आई एम गोना गेट इनटू माय कंफर्टेबल क्लोथ्स, और उसके अलावा फिर यहाँ पर मैंने ले ली अपनी ग्रीन टी एंड साथ में मैं बुक रीड करूँगी और अपने दिन को मैं यहाँ पर एंड करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में भी ईद का होगा, मे बी क्या ईद का ही होने वाला है। सो या तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय।